नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों दरअसल इस वीडियो में बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के अनुसार। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी जो रिपोर्ट है वो हर साल आता है, जिसमें कि अगर बात की जाए पिछले साल की तो उसमें पाकिस्तान का स्थान 124 था, जो कि अभी गिर कर 140 हो चुका है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जो इमरान खान की सरकार है उसका अहम जो मुद्दा था वो यही था कि मैं करप्शन हटाऊंगा, लेकिन करप्शन के इंडेक्स में लगातार पाकिस्तान नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी मीडिया और जो अपोजिशन है वो लगातार इमरान खान को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो इमरान खान है वो सियासत में इसीलिए आया था और उसका जो मेन मुद्दा था और जो कुछ उसने पाकिस्तानी आवाम से कहा था उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही चीज था कि मैं करप्शन को हटाऊंगा। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आ रही है उसने साफ तरीके से ये जाहिर कर दिया कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट है इमरान खान की जो गवर्नमेंट है उसके आने के बाद पाकिस्तान में जो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़िया, और इसी की वजह से जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है वो पिछले साल के मुकाबले अभी जो उसका एक रिपोर्ट आया जिसमें कि पाकिस्तान का स्थान 140 हुआ है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इमरान खान अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था जिसमें उसने कहा था कि मैं आऊँगा तो और मैं अगर मतलब सियासत से अपोजिशन में आ जाऊँगा तो फिर वो आपके लिए और ख़तरनाक बन जाऊँगा। तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है और पाकिस्तानी जो आवाम है वो इमरान खान से अब सवाल पूछ रही है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तान स्पेशल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। करप्ट हुकूमत है, पिछले बरस का जो परसेप्शन इंडेक्स था वहां पाकिस्तान की रैंकिंग 124 थी, लेकिन अब वो रैंकिंग गिर के 140 पे चली गई है, जबकि हिंदुस्तान और बांग्लादेश की रैंकिंग जो है वो वहीं पे खड़ी है। इस पे एक खासी ताबड़तोड़ किस्म की बहस जो है वो छिड़ चुकी है ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। इससे पहले 24 घंटे पहले ऑपोजिशन कि सारा फोकस उस चीज़ पे था जहां वजीर आजम ने कह दिया था कि मैं अगर सड़कों पे आ जाऊंगा तो आपकी ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन परसेप्शन इंडेक्स के चक्कर में वो मामला पीछे रह गया। इस वक्त मामला जो है वो परसेप्शन इंडेक्स का और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का। इस हवाले से शायद खाकान अब्बासी साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है वो पहले सुन लेते। पाकिस्तान 2020 में दुनिया में 124 नंबर पर था, एक साल के अंदर हम 140 नंबर पे पहुंच गए, और 124 नंबर से 140 नंबर पे आ जाना ये एक नया रिकॉर्ड है। इमरान खान जो हर एक पर चोरी का इल्जाम लगाता था आज खुद चोर निकला, और सिर्फ चोर नहीं बल्कि आलमी चोर। दुनिया ने आज मोर साबित कर दी है कि पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। हम जितने भी साल गुजरे हैं उसमें हमने इजाफा देखा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, और यही बात लम्हे फिक्रिया खास तौर पर पीटीआई के लिए है, और इस वजह से ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो स्लोगन था वो करप्शन के हवाले से था। अच्छा, ये जो अभी बात जनरल साहब ने की कि पुलिस और जो जुडिशरी है वहां सबसे ज्यादा करप्शन है, जो अभी लेटेस्ट आई थी रैंकिंग्स उनके हिसाब से, ये बात दुरुस्त है, वो रैंकिंग्स वगैरह थी, लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पुलिस जुडिशरी तो हमारी मतलब दीगर अदवार में भी वही थी, नवाज शरीफ के दौर में या दीगर जो पीपुल्स पार्टी के अदवार थे उनमें भी उसी तरह की यही जुडिशरी थी, यही पुलिस थी, फिर भी जो परसेप्शन था उसके अंदर हमारी रेटिंग्स गिरी नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि अगर रिफॉर्म अभी नहीं हुए हैं तो रिफॉर्म पहले भी नहीं हुए थे, लेकिन हमारा परसेप्शन क्यों खराब होता जा रहा है, ये एक्चुअल बात है। और आई वुड अग्री विद नासिर साहब के एक यही इंप्रेशन, आपको पता है कि पीटीआई की तरफ से बाय एंड लार्ज हुकूमत में आने से पहले भी दिया गया और हुकूमत के आने के बाद और मजीद जोर से दिया गया कि पंजाब के अंदर अब ट्रांसफर पोस्टिंग किस तरह होती है, अब मर्जी की सीट किस तरह ली जाती है और किन लोगों से रابطہ किया जाता है और वो लोग कौन कौन से हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि जो मुझे सबसे बड़ा दुख हुआ है वो दुख ये था कि किसी भी जमहूरी मुल्क के लिए जरूरी है कि वहां अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बड़ा स्ट्रांग हो, उसी भी जमहूरी मुल्क के लिए। इन्होंने जो हमारा अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस नैप था उसको इतना बदनाम किया, उसको इतना सख्त इस्तेमाल किया, उनके केसेस गलत उनसे बनवाए गए, उनकी जो रेपुटेशन थी और उनकी वो खत्म की गई। और एक आखिरी जुमला, इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के लोगों को जा जाकर बताया कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा करप्ट मुल्क है, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन हो रही है। इस रिपोर्ट के आने के बाद मेरा ख्याल है कि पीटीआई की हुकूमत को और वज़ीर आज़म साहब को तो खुश होना चाहिए कि जो परसेप्शन वो पिछले 20 साल से बना रहे थे आवाम का और लोगों का और दुनिया का कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन है, अभी भी साढ़े तीन साल से ये इख्तदार में हैं, दुनिया में जहाँ भी ये गए, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, बैरून मुल्क जहाँ भी ये गए हैं इन्होंने शोर मचा मचा कर दुनिया को ये बताया है कि हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है,
और हमारा सबसे बड़ा मसला करप्शन है। उस वक्त भी हम लोग ये कहते थे कि भाई वो एहसान दानिश का शेर है कि किसी के सामने अशकों की आबरू न गवां, ये घर की बात है, घर में रहे तो अच्छा है। अगर था भी हमारे घर का, देखें अगर मैं एक मोहल्ले में रहता हूँ और मैं खुद अपने मोहल्ले में निकलकर शोर मचाता हूँ कि मेरे घर वाले चोर हैं, न सिर्फ अपने मोहल्ले में बल्कि मैं दूसरों के मोहल्ले में भी जाकर शोर मचाता हूँ कि मेरे घर वाले चोर हैं, और उसके बाद फिर वो लोग ये फैसला करते हैं कि जी वाकई में आपके घर वाले चोर हैं, तो फिर हमें तो खुश होना चाहिए ना कि जो परसेप्शन हमने बनाने की कोशिश की, जो पीटीआई ने बनाने की कोशिश की, जो इमरान खान साहब ने बनाने की कोशिश की, उस कोशिश में वो कामयाब हो गए। तो एक तो पहलू इसका ये है कि ये इसमें ये जो परसेप्शन बने हैं, ये परसेप्शन बनाने वाले ये खुद हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये परसेप्शन इसलिए भी मजबूत हुआ है कि खुद इन्होंने अपनी हुकूमत में जो लोग शामिल किए वो ज्यादातर वो लोग थे जो ये कहते हैं ना कि पिछले 30-35 साल में लूट के खा गए, ज्यादातर खानदान वो जो कि उन तमाम हुकूमतों के साथ रहे जिनके बारे में खान साहब ये कहते रहे हैं कि इन्होंने 30-35 साल में लूटमार की है, उन सब हुकूमतों के साथ रहने वाले खानदान, खानदानी तौर पर, सिर्फ एक नहीं उनके आज बच्चे इनके साथ हैं, तो वो खानदानी तौर पर जो सारे लोग थे जिनको ये पहले माजी में करप्ट कहते रहे, उन सबको इन्होंने अपनी काबीना में शामिल किया। इस वक्त भी इनकी आधी से ज्यादा काबीना उन लोगों पर मुश्तमिल है जो पिछली हुकूमतों में रही हैं और जिन हुकूमतों को ये खुद करप्ट करार देते रहे। जो अदालतों में केस चल रहे हैं, जो हमने आपने देखे हैं, जो बैंक के अपने ट्रांजेक्शन है, टीटी की ट्रांजेक्शन है या फेक अकाउंट है, वो नजर आ रहे हैं, उनके फैसले नहीं हो रहे, लेकिन पापा जॉन्स को जो है वो एक स्कैंडल बना दिया गया। वो कहां से स्कैंडल हो गया अभी? कोई अगर स्कैंडल था तो अपोजिशन ले जाती उसको, बीआरटी स्कैंडल है, ले जाए उसको कोर्ट्स के अंदर। तो जो चीजें अभी बाहर पड़ी हैं कोर्ट से, उनके आप फैसले चाहते हैं, और जो कोर्ट के अंदर इस वक्त केसेस चल रहे हैं उनके फैसले नहीं चाहते। मैं तो कहता हूं कि ये ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट है इसको अगर हम सही भी मान लें तो ये इमरान खान साहब के मॉडल है। ये पूरे पाकिस्तान से 1600 लोगों से, यानी हर सूबे से 400-400 लोगों से उन्होंने इसका एक व्यू लिया है। 22 करोड़ की आबादी है, ये 400-400 लोगों से, पंजाब से 400 से 400 सिंध से अपनी जगह पे बात दुरुस्त फरमाई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। जहां तक उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि 8 मुख्तलिफ रिपोर्टें हैं जिन रिपोर्टों को उन्होंने कंक्लूड करके, टोटल 13 रिपोर्ट्स हैं लेकिन पाकिस्तान के हवाले से 8 रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल रिपोर्ट बनाई गई है। टोटल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो दुनिया का इंडेक्स बनाया है वो 13 रिपोर्ट्स में मुश्तमिल है, लेकिन जो पाकिस्तान से रेलिवेंट है उसमें से वो 8 हैं। उन 8 में इसका भी मैं आपके सामने जरा आप एनालिसिस रख देता हूं। उन 8 में से सवाय जो है ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के, सवाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के, उसके अलावा 7 जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से किसी किस्म की कोई ना तो तनजली है ना ही उसके अंदर जो है वो कोई बेहतरी है, वो पिछले साल पर ही अपनी जगह के ऊपर खड़े हैं। ये जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है इन्होंने पाकिस्तान को 17 दर्जे नीचे किया। अब इसकी तफसीलात आना बाकी है, इन्होंने क्यों किया, कैसे किया, किसने इनको इन्फ्लुएंस किया, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं जो सैंपल डाटा है 22 करोड़ की आबादी में, जो 1600 का सैंपल डाटा है, फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास वसाइल बड़े महदूद थे, हम पूरी रिपोर्ट नहीं बना सकते थे, इस किस्म की भी उन्होंने मजदूरी का इजहार किया।